उज्जैन नगर में डोल 11 के पावन अवसर पर शहर में बैरवा समाज ने भव्य फूल डोल चल समारोह निकाला है। देर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर में कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कर्मा तिहार में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। और देखिए आप, यहां पर मुख्यमंत्री ने मांडल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। इस मौके पर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ाने की बात कर रहे थे और साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों को कर्मा तिहार की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी है। सबसे आज एकादशी है तो एकादशी कर्मा त्यौहार का यहाँ पर आयोजन हुआ है और इसमें हमको बुलाए हैं, तो मैं कंवर समाज का और हमारे युवा लोगों का, जिसमें हमारे समाज के अध्यक्ष श्री हरवंश सिंह मीरी जी हैं और युवा शाखा के हमारे प्रमुख टुकेश्वर कंवर जी हैं और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और उनसे उम्मीद हम करेंगे कि इस साल ये अच्छी शुरुआत किए हैं तो आने वाले साल में भी इस एकादशी में ये त्यौहार का आयोजन होना चाहिए। रायपुर में डीजे संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में इन्होंने धरना भी दिया है और रैली निकालकर विरोध जताया। इनमें प्रशासन की गाइडलाइन को लेकर भी ज्यादा गुस्सा है और गाइडलाइन में राहत देने की मांग इनकी तरफ से की गई है। जितने भी डीजे संचालक हैं उनकी तरफ से मांग की गई है कि जो गाइडलाइंस है उनमें राहत दी जाए और इस तरह उन्होंने धरना भी निकाला, धरना प्रदर्शन किया है उन्होंने और कहा है कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें कृपया राहत दे। कलेक्ट्रेट में डीजे संचालक पहुंचकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। मांग ये थी कि हम लोग को जो विसर्जन का काम है एवं और काम है जो हमें करने की अनुमति दी जाए, लेकिन हम लोग जब कल गए थे तो हमको बोला जा रहा है कि गाड़ी पर आप लोग को बैन किया जाता है, आप गाड़ी पे नहीं बजा सकते, पार्टियों से आपकी गाड़ी को कागज निरस्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ से पूरे सहमति लेकर और डीजे धुमाल मिलकर दोनों ने फैसला किए हैं कि रायपुर पर ना ही गणेश पर ना ही दुर्गा पक्ष में और अन्य फेस्टिवल एवं झांकी पर बाजा और डीजे नहीं बजेगी। और अब खबर दुर्ग से है, जहां भिलाई टाउनशिप में सेक्टर 2 स्थित DAV स्कूल में बड़ा हादसा होते होते बचा है। यहां चौथी कक्षा की चलती क्लास के बीच छत का प्लास्टर गिर गया, इससे नीचे बेंच में बैठे 2 बच्चे घायल हुए हैं। दुर्घटना के तत्काल स्टाफ दोनों घायल बच्चों को हॉस्पिटल में पहुंचाया और उसके बाद इलाज भी उनका कराया गया। इधर हादसे पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि बच्चे जहां स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पर देखिए किस गुणवत्ता से, किस क्वालिटी के सामग्री का इस्तेमाल किया गया,
कि जहां वो बैठकर पढ़ रहे हैं उनके ठीक ऊपर का जो प्लास्टर उनके ऊपर गिर रहा है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि दो बच्चे इसमें घायल हुए हैं जिन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। शिक्षा विभाग की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया है। और देखा कि एक हिस्सा जो है छत का जो है वो गिरा हुआ है और इसके कारण जो है वहाँ बैठे दो चौथी के क्लास 4B के बच्चे हैं राघव और समर, इनको जो है हाथों में हल्की चोट आई है और उसके बाद उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद उनके पालकों को स्कूल में बुलाया गया और पालक जो है उनको ले गए घर और उसको ट्रीटमेंट देने के बाद बच्चे फिलहाल तो अभी घर में हैं। और अब बात विदिशा की करेंगे, जहां विदिशा और सांची के किन्नरों में विवाद हो गया है। दोनों जिलों